हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द तंजरेक डिजाइनिंग क्लास। पर्टिकुलर चैनल का उद्देश्य है टेक्सटाइल एंड डिजाइन पॉइंट के रिगार्डिंग आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ताकि डिजाइनिंग फील्ड में अपना नेक्स्ट लेवल में पहुंच पाए। सो एज अ डिजाइनर जो डिजाइनिंग फील्ड में जॉब कर रहे हैं, या तो जो बिगिनर्स है, खास करके फ्रेशर से ज्वाइन किया हुआ डिजाइनिंग फील्ड में, उनको आइडिया नहीं मिलता कैसे डिजाइन बनाना है, कौन सा डिजाइन को किस टेक्निक से बनाना है तो अपना काम फास्टेस्ट होगा, तो वो आई डोंट नो आप लोग शायद प्रॉब्लम शेयर कर पाते हो नहीं कर पाते हो। मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट जो हमारे क्लासेस का जुड़े हुए रहते हैं, जो हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस में नए स्टूडेंट्स आते हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है, उनको ये हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपना प्रॉब्लम का हमारे साथ शेयर करें, एंड मैं एज ए सीनियर डिजाइनर उनका हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करता हूँ। तो आज का सेशन भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लाइव क्लासेस था उसी का एक ट्यूटोरियल आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। सलवार सूट डिजाइनिंग में किस टाइप का, इस तरीके का जो सलवार सूट आते हैं वो बनाते कैसे, क्या उसका माइंडसेट रहते हैं, कैसे इस पर्टिकुलर डिजाइन बनाने के लिए आपको शुरुआत करना है, वो सारा टेक्निक आपको मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। पूरा ट्यूटोरियल्स आप जरूर अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो एंड आप भी डिजाइनिंग फील्ड में रियली में आगे बढ़ पाए। एंड जिन दोस्तों को नहीं पता होगा, हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस न्यू जो बैचेस है वो हमारा 1 मई से चालू हो चुका है। सो अगर आप एक एस्पायरिंग डिजाइनर से डिजाइनिंग फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में जॉब कर रहे, अपना प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, तो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। आई एम वेलकम यू, ऑलवेज वेलकम यू, बिकॉज आप अपना डिजाइनिंग फील्ड में ग्रो करें, दैट्स वाई हमारा ये चैनल स्टार्ट किया था, दैट्स वाई हमारा क्लासेस स्टार्ट किया हुआ। सो लेट्स जंप टू आवर टुडेज टॉपिक। बिफोर स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल गाइस, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग फील्ड में काफी दिन से हो, या तो स्ट्रगलिंग कर रहे हो, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप यूट्यूब चैनल में कमेंट करके जरूर मुझे बताएगा। साथ साथ हमारा फ्री जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप ज्वाइन करिए, ताकि आप अपना प्रॉब्लम को मेरे साथ पहुंचा पाए, आपका प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ाने का मैं कोशिश करता हूँ। एंड ऑल्सो जो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस है, जिसमें हमने 1 मई से स्टार्टिंग किया हुआ है, वो आप ज्वाइन करने के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, नीचे दिया गया नंबर है, एंड ऑल्सो हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल। सो लेट्स जंप टू आवर फोटोशॉप फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम कॉपी वर्क के लिए इस टाइप का डिजाइनिंग, जो कि विकास जी ने ये वाला पर्टिकुलर डिजाइन शेयर किया हुआ था। सर ये डिजाइनिंग उनको बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए विकास, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन तो है, थोड़ा टाइम लगेगा बनाने के लिए, ये चीज आपको माइंड में पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है, एंड देन उसके बाद इसका जो प्रोसेस है उसको हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बिकॉज तो आपको एज ए बिगिनर हो सकता है 5-6 घंटा भी लगे, दैट्स टोटली फाइन, ये आप मेंटली एक्सेप्ट करिएगा, एंड हो सकता है कि वो 1 घंटे में बन जाए अगर आप चीजों को अच्छे से समझ जाओ। बट पॉइंट ये कि इस टाइप का डिजाइनिंग बनाने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ये टाइम हमें मेंटली एक्सेप्ट करने से बाद ही हम दे पाते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजाइन डिजिटल में हमारा एक हैबिट ऐसे हो गया कि डिजाइन फटाक से हम इंटरनेट से डाउनलोड कर ले, फटाफट हम इसको कलर चेंज करके, या तो कुछ पर्टिकुलर मोटिव, कुछ छोटे छोटे मोटिव ड्रॉ करके हम दे दे तो हमारा काम निकल जाते हैं। बट जब हमारा टफ काम होता है तो वो काम को करने के लिए हम मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये डिजाइन बनाने के लिए 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। एंड अगर हम खुद नहीं कर पा रहे थे एज ए डिजाइनर कि हम ये डिजाइन बनाने के लिए 2-3 घंटा लगेगा, तो जो हमारा ओनर है, जो हमारा बॉस है, जो हमारा सुपरवाइजर है, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो दैट्स वाई आपको पहले ये आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप मेंटली खुद एक्सेप्ट करेगा ये डिजाइन है जिसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, आपको टाइम लगेगा, एंड हम टाइम लगेगा तो ये चीज बना लेंगे। पहला काम ये हम आपको मेंटली एक्सेप्ट करना। दूसरा आ जाते हैं इस डिजाइन बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है, किस किस तरीके का ये जो मोटिव्स है डिजाइन में, प्लेसमेंट है डिजाइन में, जो लुक है वो लुक को आप क्या क्या टेक्निक को फॉलो करके तो बनाएंगे, वो चीज आपको समझना रहेगा। जो डेफिनेटली मे बी इस टाइप का डिजाइनिंग को बनाने के लिए आप शायद कुछ ना कुछ ट्राई किए होंगे, या तो लाइक कोशिश किए होंगे, उसके बाद ही आप इस पर्टिकुलर क्लासेस में रखा होगा, बट दैट्स टोटली फाइन। बट जितना आपने बना पाया, जितना आपने कोशिश किया, वो आपको थोड़ा सा और बेटर वे पे करना पड़ेगा। बेटर वे इन द सेंस एक स्टेप आपको फॉलो करके आपको एक एक पर्टिकुलर चीज को एनालाइज करना है, देन उसके ऊपर काम करना है। तो वही चीज आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग, जैसे आपको मैंने बताया, चीजों का एनालाइज करना कि इसमें क्या क्या हमें बनाना है। बनाने में हमें इस पर्टिकुलर डिजाइन में, जैसे देखिए इसका बैकग्राउंड टेक्सचर है, हमें बैकग्राउंड टेक्सचर को अलग अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। एक ग्रे वाला जो पोर्शन है वो ग्रे पोर्शन के लिए, जो लाइट ग्रे दिख रहे हैं उस पोर्शन के हिसाब से बैकग्राउंड सेटिंग रेडी करना रहेगा। एंड दूसरा जो इसका ब्लैक का टेक्सचर है, ब्लैक वाला पोर्शन, उस ब्लैक वाला पोर्शन के लिए अलग से अपना बैकग्राउंड टेक्सचर रेडी करना पड़ेगा। एंड मोस्टली ये जो ग्रे वाला पोर्शन है उसके ऊपर ये जो पैटर्न है, एंड वो पैटर्न्स का एक टेक्सचर पैटर्न अपना यहाँ पे प्लेसमेंट किया हुआ। तो हमें पहले ये बैकग्राउंड का सेटअप रेडी करना पड़ेगा। सेटअप रेडी इन द सेंस इसमें जैसे दिख रहा है ये जो पोर्शन, जितना पोर्शन ग्रे बेसिकली दिख रहा है,
एक रफली मैं जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आपको और परफेक्शन वे पे करना पड़ेगा, लाइक इसमें जैसे दिख रहा है जितना हो सके और बेटर वे पे करना पड़ेगा ताकि इसका लुक और थोड़ा सा बेटर बैठे। बट जस्ट मैं एक रफली आइडिया देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसको करना कैसे, शुरुआत करना कैसे रहेगा। ठीक है, जितना पोर्शन हमें दिख रहा है समझ में आया, जस्ट इसको हमने इसको फिल किया, देखिए इतना पोर्शन का हमने कलर फिल कर देंगे एंड बाकी का जो पोर्शन है वो बेसिकली ब्लैक हो जाएगा क्योंकि तो थोड़ा थोड़ा और भी है वो आपको कर लेना रहेगा। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर रहेगा। आप ये वाला पोर्शन में जो अपना मोटिफ हो फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, मोशन ब्लर, ठीक है, जैसे इसको आप मोशन ब्लर करेंगे तो इस तरीके से कुछ लुक आएगा। ठीक है, दिख रहा है, तो ये जैसे लुक आएगा तो आपका मोटिव का जो मेन स्ट्रक्चर है वो रेडिएट हो जाएगा। एंड देन इसके बाद डेफिनेटली और थोड़ा सा बेटर लुक देने के लिए हम चाहे तो इस तरीके से कोई एक टाइप का ब्रश, जो कि हमने पास्ट सेशन में आप लोगों को बना के दिखा था, जैसे ये वाला ब्रश था हमारा, इस तरीके से अलग अलग पोर्शन में हमने करके रखा हुआ था इसको, जैसे ये वाला ब्रश है मान लीजिए, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। एंड फिल्टर ब्लर मोशन ब्लर, ठीक है, एंड इवन हम अगर चाहे तो और थोड़ा सा बेटर लुक देने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम एक नॉर्मल ब्रश प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट जैसे कर लिया, थोड़ा इसको हमने इस तरीके से खींच लेंगे, ठीक है, एंड इसका जो मेन टेक्सचर है इसको जरूरत पड़े तो कंट्रोल आई करके थोड़ा सा हम इसको और खींच लेंगे। अब ये हम क्यों कर रहे हैं आप चीजों को समझिएगा। इमेज डुप्लीकेट एंड इसका ओरिजिनली जो लेयर था उसमें हम जाते, इसके नीचे जो फाइल था उसको हमने गलती से पैच फिल कर दिया, कोई बात, तो हमने ये वाला बैकग्राउंड कर रखा। अब यहाँ पे जो हमने टेक्सचर ये ले रहे ना, ये क्यों ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे जगह पे इस तरीके से टेक्सचर ब्रशिंग वाला मुझे दिख रहा था, इसके लिए मैंने क्या किया, इस तरीके का जो पोर्शन है उसके लिए हमने इस तरीके से इरेजिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपने ये बैकग्राउंड रेडी हुआ, बैकग्राउंड रेडी होने के बाद इसका आपको एक पैटर्न रेडी करना पड़ेगा। तो इस टाइप का पैटर्न आप चाहे तो इसको सेम, अगर आपको बनाना चाहे तो सेम आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेम ड्रॉ करना मतलब जैसे इसमें मोटिव दिख रहा है, जिस टाइप का आपका यहाँ पे मोटिव समझ में आ रहा है वो आप, आपको एक आइडिया के लिए कंट्रोल जे करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा टाइप का ड्रॉ कर सकते हो। मोटिव का साइज हमारे पास आ गया, अब यहाँ पे जैसे जब शेप दिख रहा है इसका शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली हम एक रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लेते हैं, ये जैसे हमने यहाँ पे एक कलर फिल किया, ये एक कलर फिल किया, ठीक है, कंट्रोल जे सब, ये हमने उसी लेयर में डाल दिया, दूसरा लेयर में करना था, ठीक है, यहाँ पे एडिट में जाएंगे, डिफाइन पैटर्न, ठीक है, इतना हमारा पैटर्न में कन्वर्ट हो गया, देखिए। एंड अभी अगर हम इसको ऑल ओवर पैटर्न फिल करेंगे तो देखिए इस तरीके से एक पैटर्न दिख जाएगा। दिख रहा है, तो उसी कैटेगरी का अपना पैटर्न यहाँ पे एक आ गया, जो कि हमने यहाँ पे बना के छोटा सा रेडी कर लिया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को सिंपली कोई भी आपको इस टाइप का पैटर्न जो है ना वो रेडी करना है। अब जैसे इसको हमने फिल कर दिया एंड जहां जहां पे हमें जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से फिल सिलेक्शन करते जाएंगे, तो अपना मोटिव जो है ना इस तरीके से निकल के आ जाएगा।
जहां जहां पे जरूरत है बेसिकली। कितना सिंपल एंड कितना इजी वर्क हमने एडजस्ट किया, अगर आप इतना भी कर पाएंगे जो कि मुझे इसको बनाने में ज्यादा से ज्यादा और आधा एक घंटा लगेगा तो बन जाएगा। बट पॉइंट एक ही, जस्ट आपको मैं एक रफली टेक्सचर के हिसाब से कैसे रेडी करना है वो मुझे स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला स्टेप में हमने इसको आइडेंटिफाई किया, अंडरस्टैंड किया, टेक्सचर को लुक देने की कोशिश किया, बैकग्राउंड सेटअप किया, एंड इसमें जो बैकग्राउंड का लुक है अलग अलग टाइप का वो हमने सेटअप किया, देन उसका टेक्सचर को हमने यहाँ पे डाल दिया, तो हमारा मेन जो लुक है वो आ गया। अब आ जाते हैं इसका मोटिव कवर, जो मोटिव कवर में थोड़ा और टाइम लगेगा हमें, बट मोटिव कवर कंपैरेटिवली काफी इजी है, सिर्फ आपको अगर इसका प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना आ जाए तो। ठीक है, तो हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो गया बैकग्राउंड का टेक्सचर। अब इसका फ्लावर के ऊपर हम फोकस करते हैं, तो फ्लावर के ऊपर फोकस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्लावर का पूरा मोटिव है ना, ये आपको ब्रशिंग इफेक्ट से बनाया गया। यहाँ पे देखिए येलो कलर का ब्रश रखा हुआ है और यहाँ पे ग्रे कलर का ब्रशिंग इफेक्ट दिया हुआ है, कुछ कुछ जगह पे रेड का भी टचअप दिया हुआ है। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये आउटलाइन को जो मेन मोटिव्स है वो मोटिव्स को हमें रेडी करना पड़ेगा ड्रॉ करके, ताकि ये पूरा डिजाइन का एक जैसा शेप से उसके शेप के अकॉर्डिंग बना पाए। तो उसके लिए सबसे आसान सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा, जितना दिख रहा है जितना समझ में आ रहा है उतना आपको बिना सोचे ड्रॉ कर लेना है। हाँ, एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है कि इसका एक रिपीट या तो इसका एक कुछ रिदम आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा, ताकि आप इसका एक रिदम को मेंटेन करके बना पाए। रिदम इन द सेंस जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये मोटिव यहाँ पे आया हुआ, यहाँ पे आया हुआ, यहाँ पे कुछ मोटिव दिख रहा है, एंड हो सकता है इसी का ही कुछ हिस्सा उठ के इधर आया हुआ, एंड इवन यहाँ पे भी आपको देखेंगे ये वाला मोटिव यहाँ से उठ के इधर से उठ के इधर से आया हुआ है। अभी ये डिजाइन में इसका शेडिंग देना रहेगा, बिकॉज शेडिंग का मेन लुक है। तो हम शेडिंग कैसे देंगे, ये जितना पोर्शन हमें बनाया अभी तक हमने, उस पोर्शन में से कंटिगुअस को ऑन करेंगे, कंटिगुअस को ऑन रखेंगे, मैजिक वन टूल लेंगे, एंड यहां से यहां से यहां से जहां जहां बेसिकली शेडिंग है यहां पे, एंड देन इसी तरीके से बाकी का पूरा डिजाइन में जितना मोटिव है उसको ड्रॉ करके इसके जैसा प्लेसमेंट करना रहेगा, तो आपका डिजाइन का जो मेन लुक है वो आपका आ जाएगा। जो बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाना चाहा कि एक डिजाइन को बनाने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हर डिजाइन ही मतलब इजी पड़े या तो हमारा मन के मुताबिक हो, कुछ टफ भी आते हैं, कुछ थोड़ा अलग भी आते हैं, कुछ हमें देखने के बाद लगता है कि कॉम्प्लेक्स हो, कुछ लगे कि ये इसमें टाइम लगेगा, बट टाइम दीजिए। अब जैसे ये डिजाइन बनाने के लिए और थोड़ा सा मैं अगर आधा एक घंटा एफर्ट करूं तो बन जाएगा, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे में बन सकता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ आप 2 घंटे का 4 घंटा लीजिए, बट बनाइए, क्योंकि अगर आप एक बार ये डिजाइन बना लिए तो आपका माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मैं बना सकता हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक बार समझ जाए कि नहीं मैं बना सकता हूँ, तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आप काम करते करते आप चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, कहाँ पे फास्ट करना है, कहाँ पे स्लो करना है, कहाँ पे किस तरीके से करेंगे तो लुक आ जाएगा अच्छा, वो करते करते आपका हैबिट होगा, बट करेंगे तभी आपको आइडिया आएगा। अदरवाइज आप सोचेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो काम बहुत टाइम लगेगा। ये चीज मैं खुद बहुत पहली बार करता था जब मैंने डिजिटल फील्ड में पहली बार आया था, इस टाइप का जब नया क्रिएशन करना होता, कॉपी वर्क करना था, बहुत ज्यादा मन में इरिटेशन होता था, एंड कई बार डर भी लगता था कि ये शायद होगा कि नहीं होगा, ये डिजाइन मैं बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। बट पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेम हम अपने खुद का डर की वजह से, खुद का हम आलसपन की वजह से कई बार बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। अगर हम ट्राई करें
तो डेफिनेटली हम बना पाएंगे। एंड ये चीज मैं आपको अपना 10 साल का एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 6.5 साल का डिजिटल प्रिंट का एक्सपीरियंस मैं आपको खास करके बता रहा हूं कि डिजाइनिंग में काफी बार ऐसा होता है कि हम जो चीज बनाते हैं, जो चीज हम सोचते हैं कि ये शायद चलेगा कि नहीं चलेगा, अगले कस्टमर को उतना फर्क ही नहीं पड़ता। उनको इसके जैसे लुक दिखने वाला भी अगर डिजाइन मिल जाए तो भी वो काम चला सकता है, क्योंकि जो क्रिटिकल डिजाइन, जो टफ डिजाइन होते हैं, उसको बनाने वाले का संख्या बहुत कम होता है। अगर आप उनमें से कोई एक बनो तो आपका काम का डिमांड ऑल टाइम रहेगा, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं आपको ये डिजाइन है, मुझे लगा था मुझे बना के दिखाऊंगा तो शायद बहुत टाइम चला जाएगा, लाइक पूरा क्लास चला जाएगा, बट इसलिए मैं आपको दिखाया ताकि आप बनाने के लिए हौसला अपने आप को दे पाए। ये वाला जो पैटर्न मैं आपको बना बताया, इसमें जो पैटर्न बना है ये एग्जैक्ट सेम नहीं बना है, ये मुझे भी पता है। एंड ये जो डिजाइन बना है वो उसका सिमिलर है, ये कस्टमर को देख के लग जाएगा। एंड इतना सिमिलर भी अगर आप बना के कस्टमर को दे पाए तो भी उनको चल जाएगा। एंड दूसरी बात आता है इसका प्लेसमेंट, तो हमने अभी तक तो उतना अच्छा किया नहीं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर लुक लाने का कुछ करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली शेडिंग और टेक्सचर के ऊपर थोड़ा वर्कआउट ज्यादा करना है। इसलिए मैंने पहले शेडिंग और टेक्सचर को पहले दिखाया, तो उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा और अगर लाइट डार्क प्रॉपर कर देंगे तो देखिए शेडिंग प्रॉपर आ जाएगा, टेक्सचर प्रॉपर आ जाएगा। दूसरा और डिजाइन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ इसका आउटलाइन का इफेक्ट, वो आउटलाइन का इफेक्ट आई होप आपको आइडिया लगा होगा। यही चीज है, करके आपको पूरा डिजाइन रेडी हो जाएगा।